We'll break for tea, and tea is being served at the first floor in the new wing. Thank you very much. We'll be commencing our second session. This session comprises of two presentations. First presentation on determination of tax liability by Mr. Saudul Hassan, and second on withholding tax by Mr. Ghazanfar Siddiqui. This session will be followed by lunch and prayer break. Prayers arrangements have been made at second floor in front of library. Our first presentation of this session, determination of tax liability, will be made by Mr. Saudul Hassan. Mr. Saudul Hassan is a senior manager indirect taxes with Ernst & Young, Ford Road, Siddharth Haider. So Mr. Saudul Hassan is a law graduate. He has over 12 years experience in the field of indirect taxes and federal excise issues. He will be discussing the provisions relating to determination of tax liabilities of the Sales Tax Act. Before I invite Mr. Saudul Hassan, I would request that at the end of his presentation, please restrict your questions to maximum of four. We have, as I said earlier, we have a full session of question and answer where the full panel will be there to respond to your questions and satisfy your any queries. Now I would like to invite Mr. Saudul Hassan to make his presentation. Mr. Saudul Hassan. लगता है कैसे को ये एक्ट पसंद नहीं है. मेरा जो स्कोप है वो डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एग्जैक्टली कोर इशू जो है इनपुट टैक्स को डिस्कस करूंगा और थोड़ा सा उसी रेफरेंस में जो थ्रू रिटर्न जो हमारा डिटरमिनेशन ऑफ दी अंडर द एक्ट होगी उसके मुताबिक बात करूंगा. इनपुट के रेफरेंस में जो एक्ट है वो बेसिकली साइलेंट है. देर इज़ नो बेसिकली एक्ट इज साइलेंट अबाउट नॉट एग्जैक्टली साइलेंट बट इट्स ओनली प्रोवाइड अथोराइज SRB बोर्ड टू मेक रूल्स अबाउट मैनर एंड प्रोसीजर्स रिगार्डिंग एडजस्टमेंट और क्लेम ऑफ एडजस्टमेंट डिडक्शन रिफंड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल टैक्स पेड और इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सर्विस प्रोवाइडेड. इसमें मैं शुरू में क्लियर कर दूँ आप किसी खुशफहमी मत रही है कि रिफंड हमारा टॉपिक नहीं है क्योंकि रिफंड यहाँ लिखा हुआ जरूर आ रहा है रूल्स में भी रिफंड कवर्ड एक जगह आ रहा है लेकिन अदरवाइज और रिटर्न में भी एक जगह लिखा हुआ है कॉलम को लेकिन कोई प्रोसीजर कोई मैनर कुछ नहीं है रिफंड के मुताबिक. तो रिफंड फिलहाल कोई ऐसा स्कोप नहीं है कि आपको रिफंड मिल सके सिवाय इसके कि बोर्ड जो है उस पर रिफंड से मुताबिक कोई रूल्स बना सके बनाए नया कोई. चैप्टर फाइव जो सेल टैक्स रूल्स सिन सेल टैक्स ऑन सर्विसेज रूल्स वो डील करता है इनपुट टैक्स को. इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए जो पहली दो कंडीशंस हैं एक तो ये है कि जो आपके पास इनवाइस होगी वो लाजमी तौर पर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने इशू की हो जो आपने सर्विसेज टैक्सेबल सर्विसेज ली हो किसी रजिस्टर्ड पर्सन से ली हो और आप खुद भी रजिस्टर्ड पर्सन हो जब ही आप क्लेम कर सकते हैं इनपुट टैक्स. दूसरी ये कि जो अमाउंट ऑफ टैक्स है या जो एग्जैक्टली इनवाइस प्रोसीडिंग है वो आपने पेमेंट कर दी हो पेड बेसिस पर हो गया ना कि जैसे सेल टैक्स ऑन गुड्स में अक्रूअल बेस पर है कि जब आपके पास इनवाइस आ जाती है तो आप अथोराइज होते हैं उसी महीने के रिटर्न में अपने सेल टैक्स इनपुट टैक्स क्लेम करने में. यहाँ पर पेड कॉन्सेप्ट आ गया पेड का लिहाजा आप जिस महीने आपने पेमेंट करनी है चाहे वो दो महीने बाद हो या तीन महीने बाद हो उस वक्त आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकेंगे. इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रहे हैं क्योंकि इनपुट आप करस्पॉन्डेंस इनपुट टैक्स क्लेम हो रहा है अगेंस्ट गुड्स भी जो आप रिटर्न जमा करा रहे हैं FBR में और जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड के पास जो अपने रिटर्न जमा करा रहे हैं आप सर्विसेज के रेफरेंस में. बाज़ोगात आपको एक ही इनवाइस दोनों जगह मैंशन करना पड़ती है और बाज़ोगात यहाँ का इनपुट टैक्स वहाँ क्लेम करना पड़ता है आपको सर्विसेज का इनपुट टैक्स गुड्स में क्लेम करना पड़ता है. तो वो थोड़ा इशू है कि अगर पेड बेसिस पर है तो जो आपका जो सेल टैक्स एक्ट है गुड्स का जो एक्ट है वो कहता है कि जी आप अक्रूअल बेस पे लीजिए अदरवाइज आप अगर उसमें कोई टैक्स पीरियड का इशू आता है तो आपके पास फौरन एक वो एक ई नोटिफिकेशन आ जाता है नोटिस आ जाता है आउट ऑफ टैक्स एडजस्टमेंट और दूसरे इस तरह के आपकी जो खास एक नई कंडीशन जो इसमें है खासतौर पर यूटिलिटीज़ के रेफरेंस में वो है कंजम्पशन
कि आपने कंज्यूम कर लिया हो जो भी आपने सर्विसेज ली हैं उनको. टैक्स इनवाइस होनी चाहिए आपके पास. टैक्स इनवाइस की जो रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली है उस पर यह है कि आपका इंडियन रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए. यूटिलिटी यूटिलिटी बिल्स के केस में जो है वो आपने आपका एड्रेस भी मेंशन होना चाहिए और कंजम्पशन की जैसे मैंने. इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए जो मेजर इशू है, जो सबसे ज़्यादा मेजर इशू है, वो है कि इनपुट टैक्स आपको मिलेगा सिर्फ सिन सेल टैक्स ऑन सर्विसेज के रेफरेंस में. और आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्लेम करने से पहले उसे वेरिफिकेट करना होगा सिन सेल टैक्स सर्विसेज और जो अदर एग्जम्प्ट और नॉन टैक्सेबल हैं या दूसरे एक्ट में टैक्स हो रहा है उनके मुताबिक. इट मीन्स के आपने जो भी इनपुट टैक्स हैं आपके, चाहे वो गुड्स से आ रहे हो सर्विसेज से आ रहे हो, अगर खासतौर पे आप गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हो या सर्विसेज में डील कर रहे हो लेकिन पूरे पाकिस्तान में डील कर रहे हो, आगे हम डिस्कस करेंगे, रिटर्न भी आपके दो होंगे, आपको पहले एलोकेशन करना पड़ेगी टैक्स पॉइंट के बेसिस पर, आपके जो प्लेस ऑफ टैक्सेशन के बेसिस पर, जिसके रूल्स अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, ना सेल टैक्स एक्ट ऑन गुड्स पे में है ना सर्विसेज में है, कहीं भी प्लेस ऑफ टैक्सेशन के कोई रूल्स नहीं है अभी तक. लिहाजा कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल नहीं है कि जहाँ पे आप कह सकेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ टैक्स होगी. जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो आम, इससे पहले वैल्यूड टैक्स एक्ट आया था उसमें कुछ प्रिस्क्राइब थे प्रोसीजर्स जो इंटरनेशनली सर्विसेज के रेफरेंस में एक्सेप्टेबल हैं, जो खासतौर पर यूरोपियन कम्युनिटी में जो उसमें जो रूल्स चल रहे होते हैं उनको फॉलो कर लें अगर आप, या आप बहुत ही लिमिटेड होकर आप अगर सिंध में और सिंध से बाहर भी टैक्स, आप रजिस्टर्ड सिंध में और सिंध से बाहर भी सर्विसेज दे रहे हैं, या आप सिंध से बाहर रजिस्टर्ड हैं या आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है और आप सिंध में भी सर्विसेज दे रहे हैं, हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप जो आपकी ब्रांच है जहां से एग्जैक्टली बिजनेस ट्रांजैक्ट हो रहा है और उसको पहला आप प्रिंसिपल बना सकते हैं. और दूसरा ये कि कहां पे एग्जैक्टली सर्विसेज दी जा रही हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो सर्विसेज दी जा रही हैं उसकी क्या है. तो आपने पहले तो आइडेंटिफाइड कर लेना था कि आपका इनपुट टैक्स जो है वो गुड्स से, आपकी गुड्स के बिजनेस से रिलेटेड है. अगर ऐसा है तो आपने उसको यहाँ से डिसअलाउ कर देना है फुली. उसके बाद फिर आपने ये देखना है कि जी आपका सर्विसेज जो दूसरे प्रोविंसेस में दी गई उनसे रिलेटेड है उसको डिसअलाउ कर देना है. यहाँ पे आपने एग्जम्प्ट सर्विसेज से रिलेटेड है उसको डिसअलाउ कर देना है. आपने नॉन टैक्सेबल सर्विसेज जो अंडर द सिन सेल टैक्स एक्ट है उसको, उनको डिसअलाउ कर देना. जो रिमेनिंग रह जाएगा वो आपने क्लेम करना है. और अगर उससे हाँ फिर ज़्यादा है कुछ यकीन इनपुट टैक्स ऐसे होते हैं जिनकी लोकेशन नहीं हो सकती, उसके लिए फिर अपॉर्चमेंट रूल्स फॉलो करने होंगे आपने. आपकी इंटरटेनमेंट जो है इंटाइटलमेंट फॉर इनपुट टैक्स क्लेम, उसके लिए पहली कंडीशन यही है कि आपके परचेज टैक्सेबल होने चाहिए, यूटिलिटी में जो है वो कंजम्पशन है, और इनपुट टैक्स रिलेटिंग होल्ली टैक्सेबल सर्विसेज इज एडमिसिबल बट रिलेटिंग होल्ली और एग्जम्प्ट दोनों में पार्शल है तो फिर वहाँ, या फिर जैसे मैंने अभी बताया कि अदर प्रोविंसेस की में जो सर्विसेज आपकी आपने रेंडर्ड की उनसे रिलेटेड है या गुड्स रिलेटेड है तो फिर वहाँ पे आपने अपोर्शमेंट करने हैं. अपोर्शमेंट का वही फार्मूला है जो सेल टैक्स एक्ट में था. आपने एग्जैक्टली रेवेन्यू बेस्ड अपोर्शमेंट करना है, टोटल रेवेन्यू जो आपका गुड्स और सर्विसेज से है उसमें से आपने सिन से रिलेटेड जो रेवेन्यू है उसी पोर्शन में आपने इनपुट टैक्स को आपको अलाउ जाएगा, बाकी आपके डिसअलाउ हो जाएंगे या आप FBR के रिटर्न में उसको क्लेम कर सकेंगे. अगर आप सेल टैक्स ऑन गुड्स में डील करते रहे हैं तो आपको पता होगा कि आमतौर इनपुट टैक्स के लिए जो प्रोविजन वही है कि तकरीबन तमाम इनपुट टैक्स आपको अलाउ है. स्पेसिफिकली ये SR 490 है ऑफ 2004 जो डिसअलाउ करती है सर्टन आइटम्स के ऊपर कि उन पर इनपुट टैक्स आपको नहीं मिलेगा, जिसमें आमतौर पर मोटर व्हीकल्स हैं, एंटरटेनमेंट, फूड, बेवरेजेस, गारमेंट्स एक्सपेंसेस हैं, गिफ्ट एंड गिफ्ट हमें, यूटिलिटी ऑन कंजम्पशन ऑन योर कॉलोनीज, मैन्युफैक्चर्स कॉलोनीज हैं, उनसे रिलेटेड इनपुट टैक्स आपको अलाउ नहीं होते. यहाँ पर बहरहाल सिंध रेवेन्यू एक्ट में, सिंध सर्विसेज एक्ट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी तक, तो हम कह सकते हैं कि आपको ये इनपुट टैक्स मिल सकता है कम अज़ कम सिंध सर्विसेज के रेफरेंस में. इनपुट टैक्स दिस अलाउ या नॉन एडमिसिबल इनपुट टैक्स, जो
पहली कंडीशन है वो ये है कि जस्ट लाइक आप अगर आप गुड्स में डील करते हैं टैक्सेबल गुड्स में, तो आपको